नमस्कार, या वेळेला मी हजर आहे नालासोपाराच्या तुलींच्या या स्मशानभूमीमध्ये। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की काल या ठिकाणी एक खूप दुःखद घटना घडलेली आहे। एका 5 रुपयाच्या कारणावरून एका रिक्षा चालकाचा या ठिकाणी हत्या केलेली आहे, निर्गुण हत्या केलेली आहे। आपल्यासोबत त्या जे ज्यांची हत्या झालेली आहे त्यांचे नातेवाईक आपल्यासोबत आहेत, त्यांचे मित्रमंडळी आपल्यासोबत आहेत। थोड्या वेळापूर्वी लाईव्हच्या माध्यमातून आपल्याला आपण दाखवला की कशाप्रकारे नालासोपारामध्ये या घटना काल घडलेल्या आहेत। काल 2 ते 3 घटना नालासोपारामध्ये घडलेल्या आहेत आणि त्यापैकी ही एक घटना आहे। दुर्दैव असं आहे की सगळ्या रिक्षा चालकांना शेवटी आपण पाहतोय की कोरोनाच्या काळामध्ये सोशल डिस्टन्स पाळण्यासाठी सांगत आहेत आणि दुसरीकडे जर पाहिला तर त्यांचा जीव हा धोक्यात टाकला जातो आहे। दिवसेंदिवस नालासोपारा हा गुन्हेगारांचा शहर बनत चाललेलं आहे, त्याचं एक उदाहरण आहे। आपल्यासोबत त्यांचे नातेवाईक आहेत, आपण पाहू शकतो हा लहान मूल आहे, हा एक चिमुरडा आहे जो त्यांचा मुलगा आहे। आता ह्याला काय सांगणार, या चिमुरड्याला काय उत्तर देणार, त्यांचे वडील कुठे आहेत ते पण त्यांना माहिती नसणार, त्यांचे नातेवाईक आहेत। आप कोण आहे सर? उनके जीजा है। जीजा है, क्या क्या घटना हुई थी सर? गाड़ी लेके गए, पैसेंजर बैठ के गए, मतलब लेके किधर भी, वहाँ गोराई नाका अंदर कैलाश पाटिल बंगले के अंदर, उधर क्या है, चाकू बोले कि चाकू मार दिए या ऐसा वैसा कुछ भी मालूम पड़ा। चौकी पे आए, मट्टी आई लेके। तो कितनी उम्र थी उनकी? लगभग 30-32 साल। उनके घर में कौन कौन सदस्य रहे? माता और पिता और बीबी और एक बच्चे। एक बच्चा। अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं कंप्लेन की हो, अभी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। वो अभी सुनने में आया कि कोई एक अपराधी पकड़ा गया है। आता पोलिसांकडून एक नवीन बातमी आलेली आहे की आताच एक अपराधी पकडला गेला। इथे रिक्षा चालक आहेत, त्या रिक्षा चालकांना आपण विचारू, कारण हेच रिक्षा चालक आपल्याला आपल्या घरी घरापर्यंत सोडतात, परंतु त्यांचा कुठेतरी जीव आज धोक्यात आहे, मुठीत आहे। त्यांची काय प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करू। क्या कहेंगे सर इस घटना को लेकर आपकी क्या? हमारी राय यही है कि आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और भाई के साथ होएगा, परसों किसी और भाई के साथ होएगा। ऐसी वारदात जो है, हमारे परिवार के सदस्य या भाई लोग काम पे चले जाते हैं, बहू बेटियां घर पे रहती हैं, औरतें रहती हैं, उनके साथ जो है गलत तरीके से व्यवहार किया जाएगा और इसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, प्रशासन उसके ऊपर ख्याल नहीं करेगा, तो जो है कैसे जीवन व्यतीत होएगा। हम रिक्शा चालक जो है इतने बड़े जो है संशय में पड़े हुए हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर जो है किसी प्रकार की आपदा आ गई, किसी प्रकार का तकलीफ हो गया, किसी बहू बेटी के गर्भाशय में गर्भ पल रहा है, उसको प्रसव पीड़ा है, तो हम रिक्शा चालक के अंदर इतना डर पैदा हो गया है कि आज हम अंदर जाने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। हम रिक्शा चालक जो है जाने को जो है ना मंजूरी देते हैं, किसी को भी आपदा आ जाएगी, हम रिक्शा चालक जो है कभी जिंदगी में जाने को राजी नहीं होगी। और सर, बालाजी हॉस्पिटल लेके हम लोग गए थे, वहाँ कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई, जो भी है वहाँ के लेके जाने वाले नहीं उच्चार हुआ। डायरेक्ट फिर चौकी आए नालासोपारा, उसके बाद लेके हम लोग नागिनदास भागे, नागिनदास में उनको मृत घोषित कर दिया। आप क्या कहेंगे सर, बहुत ही दुखद घटना घटी हुई है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, केवल मात्र 5 रुपए के लिए आज वो हत्या हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अब बहुत बड़ा गलत हुआ है और भाई पुलिस को इसके बारे में जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। अपन पाहू शकतो की त्यांचे पिता आहेत, असं म्हणतात की वडिलांच्या असताना जर मुलगा जात असेल तर वडिलांसाठी एवढा मोठा दुःख कोसळला असेल हे सांगायची आपल्याला गरज नाही। त्या वडिलांची काय प्रतिक्रिया आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू। क्या कहेंगे चाचा, आज बहुत ही दुखद घटना घटी हुई है। रिक्वेस्ट है भैया की सरकार से गुहार है मेरा की ये जल्द से जल्द पकड़ के मुजरिम को सजा दे, मेरे बच्चे को न्याय मिले। बस फक्त त्यांना एवढंच सांगणं आहे की लवकरात लवकर जो आरोपी आहे त्या आरोपीला पकडून त्याला कठोर कारावासाची शिक्षा ही झाली पाहिजे। आपल्यासोबत अजून काही रिक्षा चालक असतील त्यांच्याशी आपण बोलायचा प्रयत्न करू। क्या कहेंगे सर इस पूरे घटना को लेकर? कल 2 घटनाओं का अंजाम दिया गया है, दोनों की जगह पर मौत हो चुकी है। ऐसे घटना नालासोपारा के अंदर बहुत तरीके से बढ़ रही है, प्रशासन कहीं ना कहीं पर गलत है, क्या लग रहा है आपको? प्रशासन की ये भारी चूक है, प्रशासन नज़रअंदाज कर रहा है, प्रशासन ऐसे बातों को गहराई से लेना चाहिए जिसको वो नज़रअंदाज करके जनता के भरोसे छोड़ के रखा है। महानगर प्रशासन महानगर पालिका को बोल के रखा है मास्क लगा के नहीं घूमोगे तो चार्ज लगाएंगे, पावती फाड़ रहे हैं। बताइए कि ऐसी ऐसी घटनाएं, मास्क लगा के लोग बैठ जाते हैं रिक्शे में और दूर ले जाके आदमी को चाकू मार देंगे, कल गोली मार देंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज बताइए इस छोटे से बच्चे का लाइफ, दुख की बात है कि लाइफ पूरा पड़ा है,
क्या कौन इसको सजोएगा, क्या करेगा प्रशासन, इसके लिए क्या जिम्मेदारी उठाएगा? अभी 24 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, प्रशासन ने क्या कार्रवाई किया है? अपराधियों को पकड़ भी नहीं सकी है। और यहाँ के हॉस्पिटल में भी एकदम बुरी तरह में रखा था, यहाँ के हॉस्पिटल हम लोग गए थे, इतना बुरी तरह में रखा था कि हॉस्पिटल के अंदर बांस मार रहा था। और हाँ, ये जो म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल था ऐसा बना के रखे, ऐसा लगता बीएमसी का वो शौचालय है। अपन बघू शकतो की कशा प्रकारे हे जे नातेवाईक आहेत, आणि खरंच आहे की खूप मोठी दुःखद घटना ही नालासोपारात काल घडलेली दिसते। जो रिक्षा चालक होता अतिशय मनमोकळ्या स्वभावाचा होता, कोणाच्याही भांडणात न पडणारा होता, केवळ एकमात्र भाड्यासाठी त्याला त्याचा जीव गमवावा लागला। आणि अजून सुद्धा जे आरोपी आहेत ते मोकाट सुटलेले आहेत, त्यांचं असं म्हणणं आहे की आरोपींना लवकरात लवकर पोलिसांनी शोधून काढून कठोर कारवाईची शिक्षा केली पाहिजे। माझे सहयोगी कुलदीप तिवारी सोबत दीपक कोटेकर, टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, नालासोपारा। आज तुलींच्या स्मशानासमोर रिक्षा चालकाने आंदोलन केला। सर्वच रिक्षा चालक हे रस्त्यावर उतरून रिक्षांना थांबवत होते। अशा वेळेला पोलिसांनी हस्तक्षेप करत सर्व स्थिती नियंत्रणात आणलेली आहे। कालच्या ज्या परिस्थितीमुळे ही घटना घडलेली आहे, या घटनेवरून असं दिसून येते की नालासोपारातील परिस्थिती सध्या खूप नाजूक आहे। पोलीस यंत्रणा कशाप्रकारे काम करते हे सगळ्या गोष्टीमुळे दिसून येत आहे। रिक्षा चालकांनी थेट संवाद साधत टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूजशी चर्चा केली आणि असं सांगितलं की वेळीच जर पोलिसांनी आरोपीला शोधलं नाही आणि त्याला कठोर कारवाईची शिक्षा झाली नाही तर नालासोपाराची रिक्षा चालक मालक संघटना ही रस्त्यावर उतरेल आणि एकही रिक्षा रस्त्यावरती फिरकूर देणार नाही। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, नालासोपारा।